सिख धर्म के बानी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित एक अलौकिक नगर कीर्तन श्रोमणी कमेटी वालों संगतां दे सहयोग नाल श्री अमृतसर साहिब विखे सजाया गया। सुनहरी पालकी विच सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छतर छाया ते पांच प्यारियां दी अगवाई हेठ ए रवायती नगर कीर्तन खालसाई जाहो जलाल नाल श्री अकाल तखत साहिब तों बाद दुपहर आरंभ होया। नगर कीर्तन विच बैंड पार्टियां खालसाही जाहो जलाल दिखांदियां गतका पार्टियां सभा सोसाइटियां शब्दी जथे ते गुरु जस गायन करदियां संगतां वड्डी गिनती विच शामिल होईयां। शहर दे वख-वख बाजारां विचों हुंदा होया ए अलौकिक नगर कीर्तन देर शाम श्री अकाल तखत साहिब विखे पुज के संपन्न होया। नगर कीर्तन दा रस्ते विच श्रद्धालुओं वल्लों फुल्लां दी वरखा करके इत्र दा छिड़का करके ते सजावटी गेट लगा के निघा स्वागत कीता गया। संगतां वल्लों तरह तरह के लंगर अतुट वरताए गए। नगर कीर्तन मौके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया ते चौर साहिब की सेवा निभा रहे श्री हरिमंदर साहिब के हैड ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह ने समूह संगत को पावन पवित्र दिहाड़े की बधाई दी। उन्होंने कहा कि जगत गुरु की विचारधारा ते उपदेश समुची मनुखता नूं अगवाई प्रदान करते हैं ते उन्हां विच मानवता दे मना दियां उलझणां ते पटकणां नूं हल करन वाला अनमोल खजाना है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब की बाणी विच समुचे ब्रह्मंड दियां मुश्किलां दा हल है, इसलिए संगतां गुरु साहिब दे दसे रस्ते ते चलदियां अपना जीवन सफला करन। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब मौके भलके 8 नवंबर नूं श्री हरिमंदर साहिब श्री अकाल तखत साहिब ते गुरुद्वारा बाबा अटल राय विखे गुरु साहिबान नाल संबंधित इतिहासिक वस्तां दे पवित्र जलौ सवेरे 9 बजे तो दोपहर 12 बजे तक संगतां दे दर्शनां लई सजाए जाणगे। शाम नूं रहिराज साहिब दे पाठ तों बाद दीपमाला ते प्रदूषण मुक्त आतिशबाजी कीती जाएगी।